हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होगा वो एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं आज अपना क्वीन का टिक्स पैड चेंज करने वाला हूँ। और ये आप खुद घर पे कैसे चेंज कर सकते हो, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ये सारे नट्स निकालने, आपको डिस्क स्क्रैपर बाहर निकालना है पहले। तो जिसके लिए टूल्स का ज़रूरी होता है, तो मैं ये टूल्स यूज़ कर रहा हूँ। एक ये है गया, और शायद मैंने कुछ डिस्क ऑयल भी रखा है वहाँ पे, और ये एलन की खोलने के लिए, और ये डिस्क पैड सेट जो FZ वर्जन 1 मॉडल का है, आप ये नंबर नोट कर सकते हो। सो जिसका दाम आता ऑलमोस्ट 152 रुपीज़। सो चलिए इसे लगाते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का मोटो टिप्स देते रहता हूँ। सो ये है मेरा नया डिस्क पैड, और ये मेरा पुराना वाला। अब देख पा रहे हो कैसे खा गया है। सो ये ऑलमोस्ट अभी चेंज करने लायक बन गया है। सो अभी मैं इसको नया डालूंगा। चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। और ज़्यादा मैं प्रमोट करता हूँ डू इट योरसेल्फ। सो एज अ टूरर हमें जानना चाहिए कि कैसे क्या करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, कैलिपर निकालने के बाद ये कैलिपर कुछ ऐसे दिखता है। ये रहा आपका ब्रेक पैड, काफ़ी घिस चुका है ये, और पुराना भी हो चुका है, ऑलमोस्ट साल भर हो चुका है आप देखिए तो। और बाकी है, फिर भी मैं इसे नया लगाना चाहता हूँ। सो सबसे पहले मुझे ये, आप देख रहे हैं यहाँ पे पिस्टन जो निकला हुआ है यहाँ पे, इसको वापस पीछे की तरफ डालना है। पिन पहले ये पिन्स निकाल लीजिए, ये सब पिन्स निकालना है ऐसे। पैड निकाल दिया मैंने, देखिए कैसे हाल हो गया, ऑलमोस्ट बहुत हार्ड हो चुका है। अब इसे ऑलमोस्ट चेंज के लाइक भी हो गया ये। अभी ये जो कैलिपर का पिस्टन है, तो इसे मुझे वापस अंदर में ले जाना है, ये लेवल तक लाना है मुझे, या डिस्क का मैं ये वापस बकेट खोल दूंगा ताकि वापस जो रिवर्स की तरफ आ जाइए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने भी ऊपर का ये कवर खोल दिया मैंने। अब मैं इसे कैसे प्रेस करता हूँ आप देखिए, बहुत धीरे धीरे करना है इसको। तो सबसे पहले आप इसमें इसको से रख के, मैं ये पैड वापस रख रहा हूँ इसको, और इसमें हल्का सा इसको ये देख रहे हैं आप, इसको मैं यहाँ डाल के थोड़ा प्रेस करूँगा, इसको नीचे की तरफ पुश करूँगा। देखिए ओवरफ्लो जो तार है, जब मैं पुश करूँगा कि ऑयल जो है वापस निकलते रहेगा। देखिए काफ़ी अंदर चला गया, अब मुझे और थोड़ा सा डालना है इसको। सो ये पिन डाल लेता हूँ मैं पहले। अब डिस्क पैड को क्या करना है, इसे लगा के वापस ये जो पिन है इसको आपको इसको कम करता हूँ, और एक जो क्लिप है ये अंदर की तरफ आता है उसको भी आप ना। सो देखिए मेरा डिक्स बैठ चुका है। सो अभी इसको मैं लगाता हूँ। सो जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ मैं इसको, आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये अंदर इन हो चुके हैं। मेरा ये लग चुका है, अभी वापस ये जो नट है, आपको बस इतना सा काम आप घर पे खुद कर सकते हो फ्रेंड्स। तो आप लोगों को अब पता चल गया होगा मैं अपने काम ज़्यादातर खुद क्यों करता हूँ, क्योंकि इसमें आपको नॉलेज भी मिलता है और एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। सो अब मेरा डिस्क पैड लगाना कंप्लीट। सो अब इसे चक्का को घुमा के देखते हैं, और जैम भी नहीं हो रहा है मेरा ब्रेक। सो फ्रेंड्स, जब आपका डिस्क पैड लग जाएगा, उसके बाद आपको देखिएगा ये लीवर जो आपका काफ़ी फ्री हो जाएगा, मतलब आप जब प्रेस करोगे तो नॉर्मली प्रेस होगा। बिकॉज क्या है ना कारण उसका, क्योंकि आपने तेल यहाँ से वापस रिवर्स किया था, और उसके कारण क्या, वो प्रेशर वापस ऊपर आ गया, अभी आपका प्रेशर वापस नीचे देना है। तो जिसके कारण मैंने वापस क्या था आपको दिखाया, जैसे तेल डाल के फिर मैंने इसे बंद कर दिया, फिर मैंने डिस्क पैड लगाया, तो इसमें क्या होगा, फिर वो प्रेशर बनने के लिए इसको, तो देखिएगा आप इसको धीरे धीरे जब प्रेस करते रहिए, ये पंप देते रहिए, तो ये धीरे धीरे हार्ड होते रहेगा।
सो बस डिस्क पैड लगाने का बस इतना ही काम है और आप खुद कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो को अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का मोटो टिप्स देते रहता हूँ। सो यस माई क्वीन, रेडी फॉर अनदर टूर।